हो जाए। गाड़गे बाबा का एक कोट है, शिक्षा के लिए थाली भी बेचनी पड़े तो बेच दो, हाथ पर रोटी रखकर खाना खाओ लेकिन पढ़ो। और ये जो उनका कोट है वो पूरे का पूरा आज यहाँ दिखाई दिया। हम इस वक्त मौजूद हैं कोटवा दरगाह में, शिक्षा क्षेत्र रेहरा बाजार डिस्ट्रिक्ट बलरामपुर का ये आखिरी ग्राम सभा है और आखिरी प्राथमिक विद्यालय, यानी इसके बाद फिर गोंडा जिला शुरू हो जाता है। और आपको मैं यहाँ का मंजर दिखा रहा हूँ, ये है यहाँ का विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय। देख लीजिए इस तरह की प्रमाइसिस में ये लोग पढ़ रहे हैं, ये बेचारे ज़मीन पर बैठे हुए बच्चे हैं। अगर इस भवन की कंडीशन दिखाएँ, इसके पहले भी इंडिया टाइम्स में इस भवन को दिखा दिया था, इसकी जर्जर अवस्था को एक एक बिंदु पे इसने हम लोगों ने इसको दिखाया था कि किस तरह से जर्जर अवस्था है, इसमें बच्चे बैठ के पढ़ ही नहीं सकते हैं और ये बंद ही पड़ा रहता है। इसकी कंडीशन अगर आप देख लीजिए तो ऐसा लगता है कि जैसे ये बूचड़ खाना बन चुका है। ये कंडीशन है इसकी। अब सोचने वाली बात ये है कि यहाँ के जो बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं, सबसे पहली बात तो ये है कि बीइंग अ मीडिया पर्सन, मैं जब से ये बेसिक शिक्षा अधिकारी आई हैं आज तक इनको कभी भी अगर कॉल किया गया तो इन्होंने कॉल नहीं उठाया है, देखने की बात ही दूर है। और शायद ही, शायद नहीं, ये कंफर्म है कि इस प्राथमिक विद्यालय में आज तक किसी का विजिट नहीं हुआ है। ये जो, क्योंकि ये ज़िले से बहुत दूरी पे है, 50 55 60 किलोमीटर की दूरी पे है और ज़िले का आखिरी ग्राम सभा भी है और आखिरी ये विद्यालय भी है, इसीलिए यहाँ पर कोई भी शिक्षा अधिकारी आता ही नहीं है। अगर आते तो देखते कि ये जो कंडीशन है यहाँ पे, ये क्या सरकार इसी के लिए आप लोगों को सैलरी देती है? किस बात की सैलरी दे रही है? सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, सरकार चाहती है कि किसी भी ग्राम सभा में कोई भी बच्चा अशिक्षित ना रह जाए। शिक्षा के लिए न जाने कितने खर्चे किया जा रहे हैं, बड़े बड़े कॉन्वेंट जो बनते हैं करोड़ों रुपए की फंडिंग करने के बाद, उसमें जो शिक्षक रखे जाते हैं उनकी भी सैलरी उतनी नहीं प्रोवाइड कर पाते हैं वो लोग, जितना गवर्नमेंट प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों को प्रोवाइड करती है। लेकिन उसके बावजूद भी होता क्या है? ये होता है, देख लीजिए आप यहाँ पे, ये कंडीशन है इसकी। यहाँ कैसे बच्चे पढ़ेंगे? यहाँ जो भी आंगनवाड़ी वगैरह बना हुआ वो भी कई सालों से, पानी भी बेचारे नहीं पी पा रहे हैं। एक तरफ ये हैंडपम्प जरा दिखा दीजिए, न जाने कितने सालों से, पिछली बार करीब एक डेढ़ साल पहले इंडिया टाइम्स ने इसको उजागर किया था, आज भी उसी कंडीशन में है ये। इसमें मोर्चे भी लग चुके हैं, जंग लग चुका है इस हैंडपम्प पे। ये है सरकार की योजनाओं को, ये टोटली ये लोग सरकार की योजनाओं पे पानी ही नहीं बल्कि ये डीजल और पेट्रोल और केरोसिन भी छिड़क रहे हैं। ये है कंडीशन यहाँ की। अब इन अधिकारियों के साथ क्या किया जाए? आखिर इनके कान पे जू क्यों नहीं रेंग रही है? इस बात को संज्ञान में लेना चाहिए शिक्षा मंत्री को, क्योंकि बलरामपुर ज़िले में जो शिक्षा व्यवस्था है वो लूली और लंगड़ी और बहरी हो चुकी है। यहाँ कोई किसी को सुनने वाला नहीं है, और अगर सुनता भी, बहुत सारे ऐसे विद्यालय हमने ये भी देखे हैं कि लोग पॉकेट की सैलरी ले रहे हैं, मतलब अपने बिहाफ पे किसी ना किसी को खड़ा कर देते हैं, बिठा देते हैं और उनकी रजिस्टर में एंट्री भी हो जाती है और वो कहीं लीव पे होते हैं, कहीं घूम रहे होते हैं। जो टाइम रहता है ऑन टाइम, यानी आज अभी जैसे ये विंटर वेकेशन चल रहा है, विंटर का सीजन चल रहा है सर्दियों का, तो 10 से 3 का टाइमिंग दे दिया गया है। विजिट करने के बाद पता ये चलता है कि जितने शिक्षक होने चाहिए उतने हैं भी नहीं। बहरहाल यहाँ शिक्षकों की अगर गलती है तो गलती उनकी भी हम नहीं मानते, क्योंकि शिक्षकों के ऊपर जो अधिकारी बिठाया है गवर्नमेंट ने, जिनकी अच्छी अच्छी सैलरीज होती है, जिनका अच्छा एक नैतिकता होती है, वो लोग क्या कर रहे हैं? क्या कभी कोई यहाँ पे आया देखा? अभी हम एक और विद्यालय दिखाने वाले हैं, उसकी भी जर्जर अवस्था पिछले कई सालों से है। गाँव वाले लोग रिस्क लेके अपने बच्चों को भेजते हैं, उनको पता नहीं कब वो बिल्डिंग जर्जर अवस्था की जो ऊपर गिर जाए और किसी भी बच्चे के साथ कोई भी हादसा एनी गिवन मोमेंट हो सकता है। अब ये है कंडीशन, आपने देखा कि बच्चे बेचारे वहाँ मैदान में बैठ के पढ़ रहे हैं, जगह प्रोवाइड नहीं की गई है। ये जर्जर अवस्था हुई क्यों? शुरू से ही इस तरह थी,
या फिर बाद में हुई। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि आखिर कौन इसमें गबन किया, जिसको भी ये कॉन्ट्रैक्ट मिला था, जिस किसी ने भी इस भवन को बनवाया था, घोटाले वहीं से शुरू हुए थे। शिक्षा विभाग आज तक क्या कर रहा है, क्यों सो रहा है, क्या इस पर इंक्वायरी नहीं बैठनी चाहिए थी? क्योंकि ये पूरे गांव के, ये ग्राम सभा के जितने भी बच्चे हैं, गरीब किसान के बच्चे हैं, उनकी जिंदगियों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। शिक्षा तो ये लोग ले रहे हैं, क्योंकि जैसे संत गाड़गे बाबा ने कहा है कि बेच दो थालियों को, ये बेचारे ऐसे ही, ये देख लीजिए इस हालत में है किसानों के बच्चे, ये शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, ये देख लीजिए, ये किसी अमीर के बच्चे नहीं है। अगर अमीर के बच्चे होते तो शायद किसी कॉन्वेंट में होते। गवर्नमेंट ने यहाँ शिक्षक भी ऐसे रखे हैं सीटेड, और न जाने क्या क्या, कितने कितने कॉम्पिटिशंस बीट करने के बाद फिर शिक्षक होता है वो, और उसके बाद गवर्नमेंट उसको 50,000 से 1,00,000 तक की सैलरी देती है, सिर्फ इसलिए कि इन बच्चों को, गरीब किसान के बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जा सके। और भाजपा गवर्नमेंट जब से आई है, उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए, योगी सरकार शिक्षा के ऊपर बहुत ही ज़्यादा ध्यान दे रही है। ब्लेम लगाना बहुत आसान है कि योगी सरकार कुछ नहीं कर रही है, लेकिन योगी सरकार कैसे करेगी, अपने सिस्टम के थ्रू ही तो करेगी। जो इतने बड़े बड़े ऑफिसर्स प्रोवाइड किए गए हैं शिक्षा को लेके, उन लोगों की जो नैतिकता है वो कहीं ना कहीं मरती दिखाई दे रही है, वो अपनी नैतिकता भूल गए हैं, और शायद इनकी इस कोताही को योगी सरकार तक पहुँचाया भी नहीं जा रहा है। योगी जी शायद अगर जान जाएं तो ज़रूर इसके ऊपर अंकुश लगाएंगे और इन लोगों को सीधे रास्ते पर लेके आएंगे। यहाँ सवाल ये भी उठता है कि बुलडोज़र मकानों पे नहीं चलने चाहिए, बुलडोज़र लोगों के ऊपर, उनकी मानसिकता के ऊपर चलाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह की मानसिकता बना ली है लोगों ने, मुझे तो ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं सरकार को बदनाम किया जा रहा है। यहाँ पानी वानी कैसे पीते हो आप लोग? यहाँ हम लोग गांव से पीते हैं पानी, यहाँ पर नल सब कुछ खराब है। नल खराब है गाँव, कब से ऐसा है? 3 साल से। 3 साल से गाँव से पानी पी रहे हो?